तो वेलकम बैक टू माय चैनल बी तेग शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है कुछ टेक्नोलॉजी गैजेट जो मार्केट में बनाया है, कुछ इम्पोर्टेंट गैजेट, लेकिन बनाने के बाद वो अनयूजलेस हो गया है। तो क्या है वो गैजेट, वही बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या बना इन्वेंशन ने जो बनाया है। तो ज़्यादा देर नहीं करें, चलिए मेरा ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे मेरा एक पिक्चर देख रहे हैं, वो है रिमोट कंट्रोल तकिया। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये जो तकिया है, अगर ये इसमें रिमोट घर का जो टीवी है, एसी है और फैन है, लाइट है, सबका कंट्रोल इसमें है। ये गैजेट क्यों बनाया है ये मुझे आज तक मालूम नहीं। अगर आपको मालूम है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आप इस तकिया पे आप सो रहे हो, सर रख के सो रहे हो, गलती से भी उसका कुछ बटन दब गया तो घर का टीवी रात को 2 बजे 3 बजे आपका टीवी ऑन हो जाएगा। और या फिर अगर आपका मौसम, अगर विंटर का मौसम है, अगर इस एसी में भी इसका रिमोट आप कनेक्ट करके रखे हो तो रात को भी एसी वो चल जाएगा। वही प्रॉब्लम होता है कि इस गैजेट में, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये गैजेट यूज़फुल है कि अनयूजफुल है। दूसरा जो गैजेट है वो है, आप देख सकते हो ये जो चीज़ बनाया है ना, ये किस लिए बनाया है मुझे एकदम मालूम नहीं। ये है ब्लूटूथ कंघी, मतलब कंघी आपको बताएगा मुझे अभी अपना हेयर स्टाइल बनाओ। ये कंघी आपको बताएगी अपना हेयर स्टाइल कब कैसे आप करेंगे और कौन से समय में करेंगे। ये आपका मोबाइल में बार बार रिमाइंडर करके रहेगा। ये भी मुझे बहुत ही अनयूजफुल जैसा लगा है। नेक्स्ट वो है ना, वो है आप देख सकते हो यहाँ पे है, वो अपने से मुंह में पट्टा लेके रखा है ना, वो होता है कि प्राइवेटली आप बात आप पब्लिक में ऐसे कर सकते हो, मुंह में ऐसे ले लो और फिर मुंह में आप दूसरा कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है तो आपका बात वो सुनेगा नहीं। तो इससे अच्छा पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ बात करो ही मत जो मुँह में ऐसे बोलना पड़े, ऐसा उसको सुनाई देगा। तो मुझे लगता है कि इस गैजेट लेना बहुत ही बेकार है, क्योंकि अब अगर चाहते हो कि मुझे पब्लिक में ऐसा कुछ बात करना ही नहीं तो मुझे इस गैजेट का ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट गैजेट के लिए बात करेंगे, ये देख सकते हो ये है वैक्यूम क्लीनर जूता। वाह, इस जूते की मदद से आप अपने घर का जो फर्श होता है ना उसमें आप अपना धूल मिट्टी इसमें आप जूते में स्टोर कर सकते हो। अबे वाह, घर में पहनने के लिए अगर घर में धूल मिट्टी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाएगा तो वो बात ठीक है, लेकिन ये जूता पहन के आप अगर घर से बाहर चला गया तो बाहर का सब कसर घर में आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये कौन सा भाई गैजेट हो गया, ये बनाने वाले भी क्या बनाया है। नेक्स्ट जो गैजेट है वो आप देख सकते हैं, वो है स्मार्ट वाटर पानी बोतल। ये जो गैजेट है ये सबसे घटिया गैजेट है, मतलब ये अपने फ़ोन में साथ कनेक्ट करके रखना पड़ेगा तब ये बोतल आपको बताएगा मैं पानी पी, तुम पानी पी, ऐसे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये बोतल आपको रिमाइंडर करके रहेगा। तो आप सोचते हो कि अगर ये बोतल आपके बैग में है तो बार बार उसको रिमाइंडर आपको दे रहा है, अगर आपने उस रिमाइंडर में पानी नहीं पिया तो अपना आप वो वाटर बोतल का ढक्कन खुल जाएगा और अपने अपने बैग में, अगर आप बैग में से लैपटॉप के साथ इसको रखे हो तो आपका लैपटॉप पूरा गीला हो जाएगा या फिर लैपटॉप ख़राब भी हो सकता है। ये गैजेट लेने का भी कोई मतलब कुछ भी मतलब बेकार का ये गैजेट है। नेक्स्ट जो गैजेट की मैं बात कर रहा हूँ वो है लैपटॉप प्राइवेसी स्वेटर। अगर आप लैपटॉप लेके बाहर में जा रहे हो, कोई अगर नहीं देखेगा, आप कुछ पर्सनल काम कर रहे हो तो आप ये स्वेटर ले सकते हो, मतलब कुछ हद ही हो गया। ये स्वेटर एक मतलब क्लॉथ कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी लेकिन ये इन्वेंट हो चुका है, मुझे लगता नहीं कि इसका भी कोई ज़रूरत है। नेक्स्ट जो गैजेट है वो देखिए, अगर आपको बार बार आपको याद रखना होगा कि मेरा एसी का रिमोट कहाँ है, मेरा टीवी का रिमोट कहाँ है, मेरा डीवीडी का रिमोट कहाँ है, मेरा होम थिएटर का रिमोट कहाँ है, अगर आपके इस झमेले से आपको दूर रखना है तो ये अपना सर पे लगा के, ऐसे जो पट्टा लगा के रखा है ना सर पे, वो सर पे आप ऐसे रख सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि ये गैजेट भी कोई ज़रूरी है, ये भी मतलब बेकार ही गैजेट है। नेक्स्ट गैजेट की बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये तो उससे भी बहुत ही बड़ा
बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम कर दिया। जूते में ऐसा, ये जूते में एसी, आपका आपका अगर गर्मी लग रहा है तो आप जूता क्या अपने फेस पे रखोगे, मुझे गर्मी लग रही है मुझे एसी खाओ। ये आप फोटो क्लियरली देख सकते हो, उस जूते में अंदर एयर कंडीशनर में हो रहा है। कोई जूते में कोई एसी फिट करता है क्या? मुझे लगता नहीं कि ये गैजेट भी कोई यूजलेस है। पता नहीं, बनाने वाला है तो बना नहीं। आप मुझे लगता है कि आपको भी ये जो एसी वाला जूता है इसके बारे में कुछ आपको पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो गैजेट है, जो आखिरी गैजेट है वो है कि ये है जो चम्मच है ना, इसमें आपको इसमें आपका वो इसमें जो ब्लूटूथ सेंसर है उसमें आपको जब आप खाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपका वाइब्रेशन फिट भी होगा कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो। ये इसमें आपका अगर वेट भी पता चलेगा, अगर कुछ इस चम्मच से कुछ सामान उठा रहे हो, अगर कुछ समझ में ज़्यादा आ गया तो उसमें वेट आप बता उसको आपको वेट आपको बताता रहेगा कि आप ज़्यादा खा रहे हो, कम खा रहे हो, ये खा रहे हो। तो इससे अच्छा ये रहे, आप जितना आपका समझ में आप देख रहे हो ना वो देख के खाओ। ये गैजेट लेना बहुत ही बेकार है। बस आज का वीडियो का बस यही था, बेकार से भी बेकार। तो इन गैजेट में से कौन सा गैजेट आपको सबसे ज़्यादा बेकार लगा है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पिक्चर है, उस पिक्चर को क्लिक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप।